इसलिए आप हैरान होंगे कि यहां भी 53 में भी और 74 में भी ईसाई मिशनों ने, सोबा खान और दूसरे बड़े बड़े लीडरों ने ये ऐलान किया कि हम तहफ़ ख़त्म नबूवत में इस मौजूदा तहरीक में निर्दयियों के ख़िलाफ़ हैं और मजलिस आरार के साथ हैं। यहाँ तक छपा ईसाई और मुसलमान भाई भाई, हत्ता के मजलिस तहफ़ ख़त्म नबूवत ने मुल्तान से लिटरेचर शाया किया और उस लिटरेचर का इन एक किताब का नाम था मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, उनमें ईसाइयों का नाम भी शामिल किया है। पादरी के एल नासर ने एक किताब लिखी है और उसको डेडिकेट किया है मौलाना सनावला साहब अमृतसरी के नाम, अब्दुल्ला मेमार के नाम, इलियास बरनी के नाम और दूसरे मौलवियों के नाम। दोनों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खातमुन नबीन है। जब गैर मशरूत आखिरी कहेंगे आप, आपके निगाह में भी ईसा के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो खातमुन नबीन क्यों कौन हुआ? तो आप और ईसाई एक हैं, हम हैं जिन्हें खुदा ने खत्म नबूवत का परचम लहराने के लिए दुनिया में भेजा है। पहले दो दिन तो 22-23 जुलाई 1974 के हैं जिनमें हुजूर ने मुकम्मल माजरनामा पेश फरमाया। अब इस माजरनामा में क्या था उसका खुलासा आपका इरशाद है कि मैं इसमें मौलाना हम चाहेंगे कि पहले तो जो इसके हेडिंग्स बनाए गए, जो उनवानात इसमें दिए गए, आप वो उनवानात जो हैं वो पढ़ के अगर सुना दें तो फिर हम चाहे माजरनामा के आप जी माजरनामे के जो अनावीन थे क्या क्या हेडिंग्स थी जिसके तहत जमात का मौका पेश किया गया। अहम चीज़ है, पहला उनवान तो था ऐवान की हालिया करारदादों पर एक नज़र। ठीक जी, हम लोग रात को एक दफ़ा गए तो माजरनामा मुकम्मल हो चुका था तो हजूर ने फरमाया कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात जो खुदा ताला के मुतालिक और कुरान के मुतालिक और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हैं वो ज़रूर इसमें शामिल किए जाने चाहिए। तो उस वक्त फौरी तौर पर हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने रातों रात ये सूरत की कि हज़रत सैयद मीर दाऊदान साहब की किताब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, उनमें जो नवानात थे इसके तहत उनमें से हवाले फोटो कापी करके तो वो उनको फौरी तौर पर माजरनामे में शामिल किया गया। जी, तो अगर आप इन अगला उनवान है शान खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी सिलसिला अहमदिया की निगाह में। जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये सारी कापियाँ मेंबरान असम्बली को दी गई, सैनेट के मेंबरों को दी गई। अच्छा, एक उनवान मुस्तकिल था आयत खातमुन नबीन की तफसीर। जी, इनकार जिहाद के इल्ज़ाम की हकीकत। ठीक, फिर उनवान बाज दीगर इल्जामात का जायजा। सही, इसमें कौन कौन से एतराजात? हाँ, इनमें बाज दीगर इल्जामात, अहमदी दूसरे मुसलमानों के पीछे ना नमाज पढ़ते हैं ना जनाजा अदा करते हैं जी। और ना उनसे शादी ब्याह का ताल्लुक कायम करते हैं। इसके बाद ये आम तरीन पहलू यही थे जी। और आखिरी उनवान था मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की खिदमत में एक अहम गुजारिश। और इस उनवान के कुछ ज़ैली अनावीन भी बनाए गए थे। इसका एक ज़ैली उनवान मुतालबात के नाम से था, ये एक इश्तिहार था जो उन दिनों शाया किया गया। कराची से और मानामा तलवे इस्लाम ने उसको शाया किया। ये इश्तिहार दरअसल उस ज़माने का नहीं बल्कि 1953 का है जी।
और इसका उन्वान ये था, और ये कराची के मैं समझता हूँ गली गली में लगाया गया था। उसका उन्वान था मुतालबात फिरका देवबंदिया को अलहदा अकलियती फिरका तस्लीम किया गया। और इसके अलावा खिलाफत रास्ता कॉन्फ्रेंस जो अहले सुन्नत वल जमात ने मुल्तान में की थी, उसमें ये मुतालबा किया गया कि शिया मुसलमानों से अलग हैं, उनका निसाब अलहदा किया जाए, उनके अवकाफ अलहदा किए जाएँ, और उनको मुसलमान तस्लीम में किया जाए, और क़लीदी असामियों से उनको अलहदा किया जाए। और इसके बाद ज़ैली उन्वान था पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़िरकों के अकायद जो दूसरे फ़िरकों के नज़दीक माले नज़र हैं, ठीक, इन में बरेलवी और देवबंदी अहल हदीस जमात इस्लामी चकरालवी और परवेज़ी फ़िरका और शिया मज़हब के ख़यालात उनके अकायद मखसूस जिनके वजह से कत्ल गारत तक नौबत पहुँची, तकफीर तक नौबत पहुँची, हंगामे हुए, तो ये असल किताबों के हवाले इसमें पेश किए गए कि अगर आप इन जिलों में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा फसाद अज़ीम बर्पा हो जाएगा। और आखिरी उन्वान था हज़रत बानी सिलसिले अहमदिया का पुरदर्द इंतबा, और फिर इख्तिताम इस आरिफाना माजरनामे का दुआ के मुबारक अल्फाज। जी, वो सब ये नहायत अहम दस्तावेज़ है जमात अहमदिया के अकायद के हवाले से, यकीनी तौर इसमें से मौजूआत में से कुछ के नमूने अगर आप पेश फरमाएं। हाँ, इसमें से मैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो पहला उन्वान है ऐवान की हालिया करारदादों पर एक नज़र, इसमें यह बताया गया है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का मुसलमा बैनुल अक्वामी असूल है कि अकीदा वही तस्लीम किया जाता है जिसके इजहार इंसान खुद करे, बुनियादी हकूक़ के लिहाज से भी ये ज़रूरी है, और दुनिया की तारीख भी यही बताती है। ये नहीं है कि एक शख्स अपने तीन मुसलमान कहे और उसको किसी और मज़हब की तरफ मनसूब किया जाए, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ के ये मुताबिक है ना पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकिल जो शिक्के हैं दस्तूर की उसके दफात हैं वो पैरे 56 के दस्तूर से लेकर आज तक बुनियादी हक उसमें ये मौजूद है कि हर शख्स को अपने मज़हब की इशात का हक हासिल है। और ये वो चार्टर है कि जो मुस्तकिल शिक्के तौर पर यूएनओ का चार्टर है, और इस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं, और इस्लाम का वाज़े फैसला है कि जो कौम कोई ऐद करती है उसके निभाना उसका फ़र्ज है वरना वो गद्दार हो। ये वजाहत सारी इसमें माजरनामे के पहले, हाँ पहले ये मौजूद है, मौजूद है जी। ये वजाहत ये है कि सियासी अकली लिहाज से बैनुल अक्वामी कवानीन के लिहाज से बुनियादी हकूक़ के एतबार से ये जवाब ही नहीं है इस बात का कि असम्बली इस बात की तरफ मुतवज्जो हो, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि सतफ़्तरिकुम हाज़िहिल उम्मतु अला 73 फ़िरक़तन कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिद। ये किसके अल्फाज हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीयीन, खातमुल मुरसलीन, खातमुल मोमिनीन, खातमुल आरिफीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी, उनमें से 72 आग में जाएंगे या आग लगाना शुरू कर देंगे और एक को अलग कर देंगे, और वही मुसलमान फिरका होगा। चुनांचे आगे लिखते हैं कि इसके मुतालिक सऊदी अरब के मज़हबी पेशवा जिनको हम भी मुझे समझते हैं, उन्होंने अपनी किताब मुख्तसर सीरत रसूल में लिखा है, आपकी मुराद हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से, हज़रत मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जी, जो अपने सदी के मुजद्दिद थे, बहुत ही अजीम इंसान, तौहीद के अलमबरदार और सुन्नत
कि ऐसे अजीम शान वो मुजाहिद थे कि उन्होंने इंतहा दर्जे की वो बुत परस्ती जो उस वक्त हिजाज में हो रही थी उसका नाम निशान तक मिटा दिया जी। बाद में मुबालगे भी हुए। खैर, उन्होंने लिखा है फहाज हिल मसला, तो ये हदीस देखे कि ये मसला फहाज हिल मसला तो अजलुल मसाइल फमन फाहमा फावल फकी हो वमन आमिला बेहा फावल मुस्लिम। फरमाया ये रसूलल्लाह का इरशाद रहनुमा असूल है कि आखिरी ज़माने में आलम इस्लाम जब 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगा तो इन फ़िरकों में से सिर्फ एक फ़िरका मुसलमान होगा और 72 फ़िरके नारी फ़िरके होंगे। कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मसला है, आज जो इसको जानता है वो फकीह कहलाने के मुस्तहिक है, कोई मुफ्ती नहीं कहला सकता जब तक कि ये ईमान ना रखे कि 73 में से एक मुसलमान है। वमन आमिला बेहा फावल मुस्लिमों, और जो इसके मुताबिक अमल करता है वही मुसलमान है। वो मुसलमान ही नहीं है जो कि बातरों को मुसलमान कहे और एक को काफिर कहे। मुसलमान वो है जो आ हजरत के इरशाद के मुताबिक बातरों को नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम कहे और एक मुसलमान। तो बहुत वाज़े हजरत मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का जी आ हजरत की हदीस। और फिर ये वजाहत, और अजीब बात यह है बजाय आगे चल के इस हदीस पर मुजद्दद अहले सुन्नत ने मिरकात शरा मिशकात के पहली जिल्द में ये लिखा है, फरमाया कि ये जो 73 फिरके हैं उनका तज़िया करते हुए आपने फरमाया, ये मैं समझता हूँ कि ये एक इलहामी और इलाकाई शोरत थी जो वही रब्बानी की शक्ल में हज़रत अल्लामा मुल्ला अली कारी हज़रत असल में मुल्ला का लफ्ज़ अगर के अफ़ग़ानिस्तान में और दूसरी जगह पर अल्लामा के मानों में इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ और मानों में इस्तेमाल होते हैं इसलिए मैं अल्लामा ही कह रहा हूँ। हज़रत अल्लामा ये बिल्कुल वैसी बात है जिससे मसलन मिर्ज़ाई का लफ्ज़ है, मिर्ज़ाई का लफ्ज़ ये आप गयासुल लुगात को देखें तो मिर्ज़ाई के माने शहजादे के होते हैं सही। और ये जो कराची से इसकी तरफ से साइंस बोर्ड की तरफ से मुफसल मेरे ख्याल 15-20 जिल्दों में उर्दू मुस्तनद लुगत छाई हुई है उसमें लिखा है कि मिर्ज़ाई का लफ्ज़ इतना बड़ा लतब था कि सादात को भी जब कोई मनसब दिया जाता ईरानी बादशाहों की तरफ से तो वो मिर्ज़ाई का लफ्ज़ था जी। सही, सही। तो इसी तरह हज़रत अल्लामा अली अल क़ारी रहमतुल्लाह अलैह जो मदफ़ून है मक्का शरीफ में, उन्होंने लिखा है कि ये जो रसूलल्लाह ने फरमाया है वल फ़िरक़त और नाजिया तो आ हजरत ने जिसको मुसलमान फिरका और नाजिया करार दिया है फतिलकल फिरकत और नाजिया तो हम अहलु सुन्नत अल बैदाएल मुहम्मदियत वो फिरका अहले सुन्नत में से है यानी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा हजरत उमर को दूसरा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरा खलीफा और हज़रत अली को आ हज़रत के हदीस के मुताबिक चौथा खलीफा तस्लीम करती है। फरमाया वो फिरका जो 73वां होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक के मुताबिक मुसलमान समझा जाएगा वो अहले सुन्नत वल जमात में से होगा मगर उसकी निशानी क्या होगी। देखें किस तरह आज से 500 साल पहले खुदा ने इल्हाम के ज़रिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक सादिक रहनुमाई फरमाई। फरमाते हैं वल फिरकत व नादियत हम अहले सुन्नत अल बैदा अल मुहम्मदियत व तरीकत अल नकियत अल अहमदियत होगा वह अहले सुन्नत मगर उसकी शिनाख्त क्या होगी वह अहमदिया तरीके की होगा।
खुदा की तकदीर ने उस करारदाद में अहमदी का लफ्ज खुद लिखवा दिया। क़यामत तक खुदा ने मोहर लगा दी कि फिर क्या नादिया जिसकी निशानदेही मोहम्मद सोल्ला ने फरमाई थी वो अहमदिया फिरका ये है जो करारदाद में जिसका नाम लिया गया। एक निशान काफ़ी है कर दिल में खौफ कर। अच्छा, इसके बाद दूसरे मौजूदात में से कोई मुसलमान की तारीफ जी, इसमें बताया गया है कि ये इसका दूसरा बाब है। ये दूसरा मैं जी अरे के मुतालिक बताऊँगे क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है जी। मुसलमान की तारीफ के मुतालिक जमात अहमदिया का अकीदा यह है रसूल सल्लम के इरशाद के मुताबिक कि जो अपने टाइम मुसलमान कहता है वो मुसलमान है। हदीस में यह भी है कि मन सल्ला सलातना व सकबला क़िबला तना व अकला ज़बिया तना फ़ाहवल मुस्लिम लजी लहू ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतुर रसूल कि जो हमारा ज़बिया खा ले हमारी तरह नमाजें पढ़े हज करे। ये फरमाया कि ये खुदा के दफ्तर में मुसलमान है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मुसलमान तस्लीम किया जाना चाहिए। और आगे फरमाया फ़रा तुख़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतही ये खुदा की गारंटी है कि ऐसा शख्स मुसलमान है। इस वक्त तुम खुदा के इस इरशाद के ख़िलाफ़ गद्दारी ना करो और बगावत के राह रसूलल्लाह के ख़िलाफ़ इख्तियार ना करो। ये इस पर मौजूदी साहब ने आगे लिखा था कि इस हदीस से साबित है कि जो लोग कसरत को अपने लिए बहस निजात समझते हैं वो झूठे हैं क्योंकि रसूलल्लाह के इरशाद के मुताबिक वो फिरका जो नाजी होगा वो अकलियत में होगा अक्सरियत में नहीं होगा। अब जमात अहमदिया के लिटरेचर में देखें दो इश्तराए हैं, एक है गैर मुस्लिम एक है मुस्लिम, तीसरी इश्तराए गैर अहमदी। हजूर ने असम्बली के सवालों के जवाब में भी और इसमें भी इशारतन मौजूद है जमात के लिटरेचर में गैर मुस्लिम सिर्फ उस शख्स को कहा जाता है जो अपने तीन मुसलमान नहीं समझता। जो शख्स अपने तीन मुसलमान समझता है खा हमें मुर्तादी करार दे हम उसको कानूनी तौर पर लाजमन मुसलमान समझते हैं। उनके लिए कभी हमने गैर मुस्लिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आज भी जो लोग हमें गैर मुस्लिम या काफिर जो मुर्ताद वाजिब कत्ल करार दें हम रसूलल्लाह की हदीस के मुताबिक कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हम उनको मुसलमान तस्लीम करेंगे और ये हुकूमत का फ़र्ज है कि उनको वो तमाम सहूलतें और हकूक बुनियादी अदा करे जो एक मुसलमान कानून के लिहाज से होनी चाहिए थी। इस सिलसिले में हजूर ने जो वहाँ मौक़ पेश किया और इसमें भी झलक है उसके पीछे एक फ़लसफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हज़रत मुस्लिम माऊद ने भी बयान फरमाया था और उसी से ही दरअसल ये मुनक़िस हुई सारी चीज़ और बहुत ही लतीफ़ है। देखें हज़रत ने इसमें फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम हो जाएगी और फिर फरमाया कि उनमें से 72 जहन्नमी होंगे और एक मुसलमान होगा। अब इसको गौर से देखें आप जिस तरह के वकील अपना केस पेश करता है तो कानून पर बुनियाद रखता है एक लफ्ज़ के नतीजे में बाज़कर फैसले बदल जाते हैं फांसी पर चढ़ने वाला आदमी बरी हो जाता है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मामूली नहीं हैं, हर लफ्ज़ कानून है उसको पढ़ें आप। एक तरफ फरमाते हैं कि 73 फिरके मेरी उम्मत है 27 तारीख को उम्मत ही ये 73 फिरके मेरी उम्मत में शामिल हैं और फिर फरमाते हैं मगर एक फिरका मुसलमान है उनमें से। इससे साबित हुआ कि एक जाविया निगाह से आ हजरत का फैसला है कि सारे फिरके जो अपने तय मुसलमान कहते हैं जिनमें वो 72 भी शामिल हैं जो जहन्नमी हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्मत में शामिल है। दुरुस्त है मगर दूसरा जाविया निगाह यह है कि उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है जो एक है छोटा और बाकी 72 उससे अलग है। सही।
अब ये किसी यहाँ लतीफ़ इशारा है, कोई खरबों रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी इस पर? मोहम्मद सोलह ने फैसले किए हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म सितम हुआ है कि इन फैसलों ने दुनिया में ये बात उठाई कि इस्लाम ऐसा नाकिस मज़हब है कि उसमें मुस्लिम की तारीफ ही मौजूद नहीं है। और ये 1400 साल के बाद कम्युनिस्ट हुकूमत को शर्फ हासिल हुआ कि इस नाकिस चीज़ को शामिल करें कि असल तारीफ तो ये थी, ना हजरत के ज़माने में लोगों को पता चला, ना खुलफा को पता चला, ना आइम्मा और ना मुतकल्लिमीन ना मुफस्सरीन। और अगर इंकशाफ हुआ है तो भुट्टो साहब पर इंकशाफ हुआ है या उनकी पार्टी पर इंकशाफ हुआ है। तो मैं तो हैरान रह जाता हूँ, कोई आशिक रसूल इसका तस्वर करे तो गशीदारी हो जाती है इसके ऊपर कि क्या हुआ है। वो किसी ने कहा है कि हुआ गुलाब, ये गालबन उबैदुल्लाह अलीम, उबैदुल्लाह अलीम का हुआ गुलाब तो कांटे चुभा गया, चुभा गया एक शख्स बना तराब तो घर ही जला, तो घर ही जला गया एक शख्स। खत्मे नबूवत का नाम लेके ये दुनिया में ऐलान किया गया कि इस्लाम की जो तारीफें आम बताई जाती हैं वो गलत हैं, असल तारीफ अब हमें तलाश करनी चाहिए। और वो तारीफ यह है कि गैर मशरूत, आखिरी नबी माने तो मुसलमान, ना माने तो गैर मुस्लिम। हालांकि कुरान में तारीफ मौजूद है, मन अलका इलैकुम अस्सलाम लस्ता मोमिनन, फरमाया कि है मुसलमानों तुम ये ना हरकत करना जंग के दौरान भी कोई शख्स तुम्हें अस्सलाम कह दे मुसलमानों वाला, तुम उनको मुसलमान समझना। रसूलुल्लाह की हदीस है, जो हमारी तरह नमाज पढ़े, रोज़े रखे, किबले को किबला समझे वो मुसलमान है। और देखो बगावत ना करना मेरे फैसले के ख़िलाफ़, ये बुखारी शरीफ की हदीस जी। इसके अलावा एक अजीब हदीस ये भी है, बहुत कम लिटरेचर में ये आई है, हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे की खिदमत में मैंने एक सवाल जवाब के मजलिस का या खुलासा लिखा ख़लीफ़तुल मसीह राबे की खिदमत में, तो हुज़ूर ने फरमाया कि बिल्कुल नहीं है, ये इसका फ़ोटो कापी भिजवाया जाए। ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जमात से अलहदा होता है तो वो भी इस्लाम के दायरे से खारिज है, जिहाद नहीं करता वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। जिहाद जिहाद कहने वालों के लिए पहला मौका तो कश्मीर का आया था, इस पर मौजूदी साहब ने ये ऐलान फरमाया कि ये शर्म नाजायज़ है बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिहाद के वक्त जो जिहाद में नहीं जाता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, पर हम ऐसे शख्स को गैर मुस्लिम कहें, हजूर ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया कि नहीं, तुम उनको उसी नाम से याद करो जो खुदा ने उनको जिस नाम से याद किया, यानी मुसलमान के नाम से। कितनी अजीब बात है ये, हजूर ने फरमाया कि ये हकीकी मुसलमान की तारीफ है कि जमात में इमाम के मातहत है, वो जिहाद में शामिल होता है, जो नहीं करता वो उस इस्लाम से ज़रूर खारिज है जो खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ्तर में इस्लाम है। हकीकी इस्लाम के दायरे से ये सब खारिज हैं, लेकिन जहाँ तक कानून दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो अपने थे ही मुसलमान कहता है, अगरचे वो खुदा के दफ्तर में मुसलमान नहीं, मगर दस्तूर ममलकत में लाजमी तौर पर वो मुसलमान तस्लीम किया जाए। अकबर अलाबादी ने यही बात कही है कि मुसलमान तो वो हैं जो हैं मुसलमान इल्मे बारी में, मुसलमान तो वो हैं जो हैं मुसलमान इल्मे बारी में, करोड़ों जो तो हैं लिखे हुए मर्दम शुमारी में। तो अहमदी तो यही कहते हैं कि हमें तो ये चाहिए कि दुनिया का कुछ हमें कहे, हम खुदा के दफ्तर में मुसलमान हों। और यही मुस्लिम और फरमाते हैं, इश्के खुदा की मैं से भरा जाम लाए हैं
हम मुस्तफा के हाथ पर इस्लाम लाए हैं। तो हमारे से कोई बात ही नहीं, हम कब कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान समझती है? हुसैन अलैहिस्सलाम को कब उस जमाने की असम्बली ने मुसलमान समझा था? हजरत इमाम बुखारी पर कुफर का फतवा लगाया गया, हजरत खलीफतुल मसीह सालिस के इरशाद पर, उस दौर में मुझे हजूर ने इरशाद फरमाया कि 13 सदियों में जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिन पर कुफर के फतवे लगाया गया उलमा की तरफ से, उनकी तारीख लिख के ये भी हमने ऐवान को देनी है। तो मुकर्रबान इलाही की सुरखरुई के उनवान से मैंने वो किताब लिखी। हजूर ने फरमाया कि ये नज़ारत उलिया की तरफ से नहीं बल्कि तुम अपने नाम से शाया करो। हालात कुछ इस किस्म के थे, तो उसमें हज़रत इमाम हुसैन से लेकर हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह तक मैंने साबित किया है कि कोई अकाबरी उम्मत में से ऐसा नहीं है जिसको गैर मुस्लिम न करार दिया गया और काफिर न समझा गया। मसीह मौऊद फरमाते हैं ये कुफर भी दरअसल एक बरकत है जो कि खुदा वालों को ही हासिल होती है। बल्कि बाद सूफिया के तो कशफ हैं, लिखा है कि एक शख्स से कब्र में सवाल किया गया कि तुम्हें किसी ने काफिर भी कहा या नहीं काफिर का? कहने के मुझे तो कई फिर के काफिर कह के चलो फिर तुम्हारी निजात हो गई, यही काफी है कि तुम्हें काफिर कहा गया जी। मैं बहुत सहल मुसलमान को काफिर कहना, काश कोई काफिर भी मुसलमान बनाया होता, वो जो अंजील सुनाने यहाँ आते हैं उनको कुरान वहाँ जाके सुनाया होता। बात इतनी है सारी। और अब इसके बाद ये तो था ना कि मुसलमान की तारीफ के बारे में जमात का मौकफ, इसमें यह है कि फतावा कुफर की हैसियत इतनी है जी कि एक दस्तूरी इस्लाम है एक हकीकी इस्लाम है। तो कुफर के फतवों का ताल्लुक जो है वो हकीकी इस्लाम के मुताबिक समझना चाहिए। दस्तूर इस्लाम के लिहाज से तो जो शख्स अपने तरह मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान। इसके बाद खातम नबीन के मकाम के मुताबिक ये तारीख तो ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ 1400 साल के इश्के रसूल के लिटरेचर को अगर आप इकट्ठा करें एक पर्दे में, वो सारा लिटरेचर हो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक तारीख हो, तो ये पर्दा भारी रहेगा। मैं नमूने के तौर पर जिसमें तहरीरात दी गई उनमें से आप एक नमूने के तौर पर, नमूने के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जी। ज़ात बारी के इरफान के बजाय मेरे ख्याल आज वसलम की शान के मुतालिक जी ये ज़्यादा वाज़ेह रहेगा। ये अल्लाह ताला के शान के मुतालिक, फिर कुरान मजीद की शान, फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसलम की शान। इंसान के रूह वज कर उठती है, यानी सिर्फ आप अगर अरबी कसीदा ही पढ़ें, हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया कि जब मैं लिख चुका तो खुदा ने मुझे बशारत दी कि जो शख्स इसको हिफ्ज करेगा, एक तो ये कि खुदा ताला उसकी बसीरत में और उसके ईमान में इजाफा करेगा, उसको ज़ियारत मोहम्मद में नसीब होगी। इस और ये अमलन ऐसा हुआ। हुज़ूर फरमाते हैं जब हम ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम थे वज़ाफ़रीन, इक्तबासात का नमूना है। और ये सारे इक्तबासात मेंबराने असेंबली के सामने माज़रनामे तो पेश किए गए, बिल्कुल पेश किए। इसके अलावा सिर्फ ये माज़रनामा नहीं दिया गया, शायद आगे ये जिक्र भी हो, ज़मीमे के तौर पर कई किताबें भी पेश की गई। मसलन खाकसार ने एक किताबचा लिखा था जिसमें के तमाम सलाह उम्मत के माने ख़त्म नबूत के वो उसमें शामिल किया गया। खुद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो तारीफ की है उस बारे में एक किताब, हम मुसलमान हैं, अरबी उर्दू फारसी वो भी साथ शामिल थी। इसी तरह हजूर के वो खुतबात जो के कश्मीर के असम्बली के वक्त हजूर ने दिए जिसमें खातम नबीन के माने बयान किए जी। और एक किताबचा हम क्यों मुसलमानों के पीछे नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, ये किताबचा आगे उसका जिक्र आ रहा है जी, वो आगे हम तो किताबें भी साथ दी गई थी जी जी। अच्छा, और हर एक में शान खातम नबीन का जिक्र आता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सराज मुनीर में फरमाया
जब हम इंसाफ के नज़र से देखते हैं, एक एक लफ्ज़ सोने के पानी से लिखने वाला है और उसी तरह चमक रहा है क़यामत तक लिए जिस तरह के चांद और सितारे चमकते हैं, और साफ नज़र आता है कि इश्क़ रसूल के चश्मे से ही निकले हुए अल्फाज। जब हम फरमाते हैं, जब हम इंसाफ के नज़र से देखते हैं, तो तमाम सिलसिला नबूत में से आला दर्जे का जवां मर्द नबी और ज़िंदा नबी, ये सिर्फ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था, और ख़ुदा का आला दर्जे का प्यारा नबी सिर्फ़ एक मर्द को जानते हैं, यानी वही नबियों का सरदार, रसूलों का फ़ख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर ने फरमाया है आ सलम ने कि वो शख्स बदकिस्मत है कि जिसके सामने मेरा नाम पढ़ा जाए और वह दुरूद पढ़ने लिए तैयार ना हो। अल्लाहुम्म सल्ल अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद। फरमाते हैं जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके ज़ेर साया 10 दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले से हज़ारों बरस तक नहीं मिल सकती थी। ये ख़त्म नबूवत का इरफान जानने वाले ही कह सकता है, खुशमुगला नहीं कह सकता जिसने कि ख़त्म नबूवत के नाम पर कारोबार के लिए अपनी दुकान खोली। फिर फरमाते हैं ये हकीकत वही का एक इकतबास है, बस दो ही काफ़ी होंगे, एक इकतबास तो जल्दियात इलाहिया का भी है। फरमाते हैं मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद है, हज़ार हज़ार दरूद और सलाम उस पर, ये किस आली मरतबे का नबी है, इसके आली मकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता और उसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं। अफसोस के जैसा हक शनाख्त का है, इसके मरतबे को शनाख्त नहीं किया गया। वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा उसको दुनिया में लाया। उसने खुदा से इंतहाई दर्जे पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जे पर बनी नौ इंसान की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई। इसलिए खुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ़ था, उसको तमाम अंबिया और तमाम अव्वलीन और आखरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दी। वही है जो सर चश्मा हर एक फैज़ का है, और वो शख्स जो बग़ैर इकरार हिफाजा इसके किसी फजीलत का दावा करता है, वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुर्रियत शैतान। ये आशिक़े रसूल के सवा कौन है जो कि ये कलाम पेश कर सकता है, क्योंकि हर एक फजीलत की कुंजी उसको दी गई है और हर एक मारिफत का ख़जाना उसको अता किया गया है। जो उसके ज़रिए से नहीं पाता वो महरूम अज़ली है। हम क्या चीज़ हैं और हमारी हकीकत क्या है? हम काफिर नेमत होंगे अगर इस बात का इकरार ना करें कि हकीकी तौहीद हमने इस नबी के ज़रिए से पाई है। ज़िंदा खुदा की शिनाख्त हमें इस कामिल नबी के ज़रिए से और उसके नूर से मिली, और खुदा के मुकालमात और मुखातबात का शर्फ भी जिससे हम इसका चेहरा देखते हैं, इसी बुजुर्ग नबी के ज़रिए से हमें मुयस्सर आया। इस आफ्ताब हिदायत के शुआ धूप की तरह हम पर पड़ती है और उस वक्त तक हम मुनव्वर रह सकते हैं जब तक कि हम उसके मुकाबले पर खड़े हों। मुस्तफ़ा पर तेरा बेहद सलाम और रहमत, उससे ये नूर लिया बारे खुदाया हमने। अब आखिर में एक छोटा सा इकतबास है, फरमाते हैं तजलियात इलाहिया में, अगर मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होता, ये उम्मती नबी के माने भी इससे वादे होते हैं, अगर मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होता और आपकी पैरवी ना करता, तो अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे आमाल होते, तो फिर भी मैं कभी शर्फ़ मुकालमा मुखातबा हर किस ना पा सकता, क्योंकि अब बजुस मुहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं।
तमाम नबूवतें ख़त्म हो गई मगर मोहम्मद की नबूवत क़यामत तक के लिए जारी है, ये अकीदा जमात अहमदिया का। इसके बाद उनवान है आयत खातम नबीन की तफसीर, इसमें बताया गया है कि खातम नबीन के माने ख़ुद कुरान ने बयान किए हैं और वो माने इस तफसील के साथ हैं कि सूरह निसा में यहाँ तक बताया गया है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो उन मुनमीन के साथ होगा जो नबी थे, सिद्दीक थे, शहदा थे और सालीन थे, यानी अल्लाह ताला उन्हें या नबियों में शामिल करेगा या सिद्दीकों में शामिल करेगा या शहीदों में शामिल करेगा या सालीन में शामिल करेगा। तो ये खातम नबी, खातम का लफ्ज़ जो है इसकी तशरीह कुरान ने कर दी है, क्योंकि खातम नबीन की इस्तलाह तमाम 1,24,000 नबियों में सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल की गई है। ये खिताब अरस के खुदा ने सिर्फ मोहम्मद लकब दिया है, ये तख्त आहजरत को हासिल है, इसलिए खुदाई का फर्ज था कि वो बताता कि खातम नबीन के माने क्या हैं। ये नहीं है कि 14 सदियों के बाद देवबंद के रहने वाले या भट्टू साहब इसके माने बयान करें। अल कुरान यफस्सिरु बाज़हु बाज़न, पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक, कुरान खुद अपने माने बयान करता है, फरमाया इसमें अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास सूरह हज में, कि खुदा फरिश्तों में भी और इंसानों में से भी रसूल चुनता है और चुनता रहेगा। यह मुजारे का सीगा है, पास्ट टेंस नहीं है। फिर आप देखें कि इसी ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या बनी आदमा, या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुसूना अलैकुम आयाति फमन इत्तका व असलहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ बनी आदम, अगर तुम्हारे पास मेरे रसूल हैं जो मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाएं, तो जो लोग तकवा इख्तियार करते हुए इनकी बातों पर कान धरेंगे और इस्लाह के तरीके इख्तियार करेंगे, उनको आइंदा किसी किस्म का खौफ ना होगा और ना ही गुज़श्ता गलतियों पर इन्हें किसी किस्म का गम होगा। इसमें लिखा है, इस आयत में साफ बताया गया है कि उम्मतें मोहम्मदिया में रसूल आते रहेंगे। इसके बाद लुगत अरब के रूह से खातम नबीन के माने, फिर आखिर में ये बताया गया है कि खातम का लफ्ज़ कोई नया लफ्ज़ नहीं है, ज़बान अरबी में ये हज़ारों साल पहले से इस्तेमाल होता है और उसके माने हमेशा अगर वो तरकीब में इस्तेमाल किया जाए, इजाफत में इस्तेमाल किया जाए, तो उसके मैंने यकीनी तौर पर अफजल के होते हैं। इसकी मिसालें फिर पेश की गई हैं, खातमुश्शोरा, खातमुलउलमा, खातमुलऔलिया, खातमुलआइमा, खातमुलमुजाहिदीन, खातमुलमुहक्किकीन। खुद रसूल सल्लम ने खातमुलमुहाजिरीन हज़रत इब्ने अब्बास को करार दिया है, खातमुलखुलफा हज़रत अली के लिए इस्तेमाल किया गया है, खातमुल औलिया का लफ्ज़ तफसीर में मौजूद है। तो ये इसी तरह तली खातमुल औसियात मिनार रज़ा में मौजूद है, शेख सदूक को खातमुल मुहद्दिसीन कहा गया है, अबुल फजल शहाब को खातमुल औलिया करार दिया गया है, खुद देवबंदी उलमा अनवर शाह कश्मीरी साहब को खातमुल मुहद्दिसीन लिखते हैं। तो ये कोई नई डिक्शनरी नहीं है, अरबी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ है, पश्तों में नहीं नाजिल हुआ, ना पंजाबी में नाजिल हुआ। ये सारी जो मिसालें हैं, ये माजरनामा ही को मैं पेश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। बिल्कुल, जो बात अगर किसी जगह कहने की जरूरत हो तो वो मैं साथ बता देता हूँ। बिल्कुल। और फिर कुरान मजीद की आयात के बाद फिर अहदीस के रूह से बताया गया है कि मुसलमान खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लाओ आशा लकान सिद्दीक़ नबिया जी, हज़रत इब्राहिम आपके फर्जंद जब फौत हुए
तो उस मौके पर हजूर ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है कि अगर मेरा ये बेटा जिंदा होता, जिंदा रहता, तो वो यकीनी तौर पर सच्चा नबी होता। वफात से पहले खातमुन नबीन की आयत शायद नाजल हो चुकी थी, 5 हिजरी में, और हजरत इब्राहिम का वसाल जो है वो 2-3 साल के बाद हुआ है। तो अब अगर इसके माने ख़त्म करने के होते, हालांकि कुरान में खातम का लफ्ज़ है, खातिम का लफ्ज़ नहीं है, अरबी में आलम के और माने, आलिम के बिल्कुल और माने, खातम के माने मोर के होते हैं, और मोर बादशाह को मिलती है जो सबसे अफजल होता है, और वो तस्दीक भी करने के लिए होती है। ये मैं वजाहत के लिए इतना अर्ज करूँ, हज़रत ख़लील मसीह राबे के इरशाद के मुताबिक एक सवाल जवाब की मजलिस थी, तो वहाँ क्वेटे के एक गालिबन वकील थे और जज भी थे एक, तो यह मसला शुरू हुआ। मैंने कहा आपके लिए तो बड़ी वाज़ह चीज़ है, मसलन अदालत की तरफ से यह लिखा होता है कि मोरे अदालत से जारी हुआ, मोरे अदालत से बंद हुआ नहीं कोई इस्तेमाल करता, तो मोर जारी करने के लिए होती है, और जारी फैजान वो करता है जो सबसे अफजल होता है। तो इसलिए यह बिल्कुल वाज बात है, कुरान हजरत ने यह नहीं फरमाया कि आयत खातम नबीन नाजल हो चुकी है, इस वजह से अगर जिंदा भी रहता तभी नबी नहीं बन सकता। इसके माने इमाम अहले सुन्नत ने यह लिखे, कल मैंने इशारा किया था, यहाँ हवाला भी मौजूद है, ये मौजूआत कबीर अल्लामा अलीउल क़ारी सफ़ा 69 में मौजूद है, फरमाते हैं फला युनाक़िज़ु क़ौलहु तआला खातमुन नबिय्यीन इज़िल माना, ये 500 साल पहले गुजरने वाले एक बुलंद पाए आलम दीन और मुजद्दद अहले सुन्नत के माने हैं, फरमाते हैं कि इज़िल माना नहु ला याति नबीयुन बादहु यनसखो मिल्लतहु वलम यकुन मिन उम्मती, फरमाया कि खातमुन नबीन के माने सिर्फ ये हैं कि अब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा नबी नहीं आ सकता जो आपकी शरीयत को मनसूख करे और आपको उम्मती ना, ये शर्त है दरअसल, और ये माने हैं खातमुन नबीन के। अब इसके बाद है इनकार जिहाद के इल्ज़ाम की हकीकत, इसमें हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हवालों से पहले ये साबित किया गया है कि कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ क़यामत तक चली है, कुरान में जिहाद जिहाद का लफ्ज़ के ईमानों में इस्तेमाल हुआ है, कुरान को जिहाद कबीर करार दिया गया है, हदीस में जिहाद बे नफ्स को भी जिहाद ही के जुम्मे में शामिल किया गया है, और जब कोई दुश्मन ताकत के ज़ोर पर इस्लामी हुकूमत के ऊपर हमलावर हो जाए तो फिर तलवार का जवाब यानी ताकत का जवाब ताकत से देना दिफा के तौर पर ये भी जिहाद है, मगर ये जिहाद बाकी जिहाद हर वक्त जारी है, कुरान का जिहाद नफ्स का जिहाद कुरान के रूह से तो जाहिदू बिअमवालिकुम वअन्फुसिकुम, जिहाद बे नफ्स भी है जिहाद बे अमवाल भी है, इसके लिए कोई वक्त जो है मखसूस नहीं, मगर जहाँ तक जिहाद बे सैफ का ताल्लुक है, कुरान खुद कहता है कि उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं, कातिलू का लफ्ज़ और कहा कि अल्लज़ीना युकातिलूना को जो तुमसे जंग करते हैं दिफा के तौर पर तुम्हारे फर्ज, बल्कि चुनाचे पहली आयत जो है जो के जिहाद के फर्ज होने के सिलसिले में नाजिल हुई वो बड़ी बात है, कौन सी है सूरह हज की है, उज़ैन लिल्लज़ीना युकातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उज़ैन लिल्लज़ीना युकातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नसरिही लक़दीर, फरमाया उन लोगों को जंग करने की इजाज़त दी जाती है, किन लोगों को, आगे क्या आयत है, बेअन्नहुम ज़ुलिमू, बेअन्नहुम ज़ुलिमू उन पर जुल्म किया गया है, और इतना बड़ा जुल्म कि उन्हें अपने वतन से भी निकलना पड़ा है और हिजरत करके एक दूसरे मकाम पर आना पड़े, फरमाया हम उनको इजाज़त देते हैं, यही वजह है
कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक हजूर मक्के में रहे यही फरमाया। एक हदीस में मौजूद है, खुद तलीफे बर्दाश्त की, सहाबा के मुताबिक जहाँ लिखा है कि हजूर तशरीफ ले जा रहे थे गली में, तो आले यासर जो थे उनमें से बाद बुजुर्ग उनको तलीफें दी जा रही थी, मारा पीटा जा रहा था, हजूर अलैहिस्सलाम रिकत से भर गया, फरमाया इसबिरु आला यासर, ऐ आले यासर सब्र से काम लो, अल्लाह का यही इरशाद है। हजरत समिया सबसे पहले शहीद हुई और अबू जाल ने नेजा उनके शर्मगाह में चबो के उनको शहीद किया, मगर फिर भी हजूर ने फरमाया कि सब्र करना चाहिए था। मगर जब आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मसीह मौद सलाम की बात यहाँ पर मौजूद है कि 13 साल तक हजूर ने सब्र किया, फिर आपने हिजरत की, हिजरत के बावजूद इन जालिमों ने ताकुब किया और फिर हमलावर हो गए, उस मौके पर खुदा ने इज़्ज़त दिया है, यह अज्ञात की हकीकत और यही हकीकत है। आगे फिर इसमें बताया गया है कि आइम्मा दीन भी जिहाद बेसैफ के मुतालिक वही नज़रिया रखते हैं जो बानिया जमात अहमदिया ने पेश किया था। चुनाचे सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनसे पूछा गया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद जायज़ है नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि हम सरकार अंग्रेज़ पर किस सबब से जिहाद करें और ख़िलाफ़ असूल मज़हब तरफ़ैन का खून बिला सबब गिरा दें। सरकार अंग्रेज़ी को मुनकर इस्लाम है मगर मुसलमानों पर कुछ तादी और जुल्म नहीं करती और ना उनको फ़र्ज मज़हबी और इबादत लाजमी से रोकती है। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत सैयद अहमद साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो 13वीं सदी के मुजद्दिद थे और जिनका मरकज़ मुबारक बालाकोट में है। हम उनके मुल्क में अलानिया आवाज़ कहते और तरवीज करते हैं, वो कभी माने और मुजाहिम नहीं होते, बल्कि अगर हम पर कोई ज़्यादती करता है तो उसको सजा देने को तैयार है। हज़रत शाह इस्माइल साहब शहीद का फतवा ये है कि गवर्नमेंट अंग्लेशिया से हमारा कोई जिहाद नहीं और हम ब्रहरा सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। अहले हदीस आलिम जिनको शेखुल कुल कहते हैं, आगे तफसील आएगी हजूर ने जो उस जिहाद के मौजू पर कहा, फतावा नज़ीरिया जिल 4 का एक टुकड़ा इसमें है, हजूर ने उसके पूरी इबाल पढ़ के सुनाई थी, वो अपने वक्त पर मैं भी सुनाऊँगा मुतल्लिका हिस्सा के लिहाज से। जबकि शर्त जिहाद की इस दियार में मादूम हुई तो जिहाद का यहाँ करना सबब हलाकत और मासियत होगा। ये मौलवी नज़ीर हुसैन साहब, ये मौलवी सैयद नज़ीर हुसैन साहब शेखुल कुल जिनके शागिर्दों में मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी भी थे, ये उनका फतवा है। और ये फतवा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का फतवा तो 1900 में दिया गया है और ये 1857 के करीब का है। फिर खलीफतुल मुस्लिमीन का फतवा इसमें दर्ज है कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने 1857 में इस मजमून का फतवा लिखकर अंग्रेज़ों को दे दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो खिलाफत इस्लामिया के हलीफ और मददगार साबित हो चुके हैं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन तुर्की का था और 1857 में था और जमात कायम कब हुई है? 1889 में। और फतवा कब दिया है मसीह मौऊद ने? 1900। ये हकीकत है। फिर उलमाए इस्लाम लाहौर का फतवा जिनमें बड़े बड़े अकाबिर उलमा के दस्त सबत हैं, ये पेश किया गया। फिर मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी का फतवा रिसाला इशात सुन्ना में कि अहले इस्लाम हिंदुस्तान के लिए गवर्नमेंट अंग्रेज़ी की मुखालफत और बगावत हराम है, रिसाला इशात सुन्ना। मफसदा 1857 में जो मुसलमान शरीक हुए थे वो सख्त गुनाहगार और बहुकम कुरान व हदीस मुफसिद और बागी और बद किरदार थे। अब तो मुल्ला ने बना दिया ना कांग्रेस के वजह से, ये तारीख़ आज़ादी थी, हालांकि तारीख़ बर्बादी थी मुसलमानों के लिए। तो मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी जो इनके निगाह में सबसे पहले मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूत हैं, वो कहते हैं कि 1857 में फसाद करने वाले कुरान और हदीस की रूह से मुफसिद थे, दहशतगर्द थे, बागी थे और बद किरदार थे।
इस गवर्नमेंट से लड़ना या इनसे लड़ने वालों की खा उनके भाई मुसलमान क्यों ना हो, किसी ना उसे मदद करना शरी गदर और हराम है। ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ इस मौके पर कि मौलवी मोहम्मद हसैन साहब बटालवी ने इस मौजू पर मुसलसल मजामीन इशात सुना में शाय किए, अल इक्तसाद फी मसलतिल जहाद शाय किया और उसमें वादे किया कि हम इस वक्त हमारा मुआहदा है अंग्रेज़ हुकूमत के साथ, इस वक्त जहाद करने वाले फसाद करते हैं दरअसल वो टेररिस्ट हैं वो बागी हैं और मुक्तद हैं। इस पर गवर्नमेंट अंग्रेज़ी ने उनको 4 मरबे ज़मीन दिए, खुद उन्होंने इतराफ़ किए। और इसके अलावा शमसुल उलमा का खिताब दिया, चुनांचे आप अगर 1911 के एडवर्ड के ताजपोशी की अगर आप रफ्तार देखें उसमें लिखा हुआ मौजूद है कि ताजपोशी के मौके पर जिन उलमा को बुलाया गया और शर्फ़ मुसाफा बख्शा गया और कुछ कहने का भी कहा गया उनमें मौलवी मोहम्मद हसैन साहब भी थे, उन्होंने एक कसीदा गवर्नमेंट अंग्रेज़ी और बादशाह के हक़ में पढ़ा। और इसके अलावा वो इस मजलिस में कुर्सी नशीनों में शामिल रहे। ये 1911 की बात थी, जमात का क़याम 1889 में हुआ है, 22 साल बाद की बात थी। कोई अहमदी था जो इस कुर्सी नशीनों में शामिल हो, किसी को अंग्रेज़ ने शमसुल उलमा का खिताब दिया हो? शिबली साहब का नाम है शमसुल उलमा शिबली, दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम मोहम्मद अहमद साहब शमसुल उलमा का खिताब लेके 1911 के ताजपोशी के इजलास में मौजूद थे। इन्हें मुरब्बे मिलते हैं मौलवी मोहम्मद हसैन बटालवी को, और मसीह माऊद को जो जागीर 80 देहात की मुगलिया हुकूमत दिल्ली की मुगलिया हुकूमत ने दी थी गदर के वक्त, वो सारी जागीर जब्त कर ली जाती है। अजीब बात है, मसीह माऊद के ख़ानदान की जागीरें जब्त की जाती हैं और मौलवी मोहम्मद हसैन साहब बटालवी जिन्होंने मसीह माऊद पर कुफर का फतवा लगाया है उन्हें जागीरों से नवाजा जाता है जी, और शमसुल उलमा का खिताब दिया जाता है और फिर कहते हैं जी खुद काश्ता पौधा मिर्जा साहब हैं दरअसल जी। इसी तरह सर सैयद का फतवा सवाबाब असबाब बगावत हिंद आखिर में सबसे अहम है। अब देखें 1857 में ये फतवा मक्के के फकीहों ने दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान दारुस्सलाम है और इसमें जो कायम शुदा अंग्रेज़ की हुकूमत है उसकी इताअत कुरान के रूह से फ़र्ज़ है और इसके ऊपर मोहर लगाने वाले मुफ्ती हनफी मुफ्ती जमालुद्दीन बिन अब्दुल्ला मालकी मुफ्ती मक्का मौजमा हुसैन इब्ने इब्राहिम और मुफ्ती मक्का मौजमा शाफी अहमद बिन जानी के दस्तखत मौजूद हैं। शोरो साहब ने भी अपनी किताब में इसको नकल किया है, सबसे पहले सर सैयद ने उसको असबाब बगावत हिंद के आखिर में लिखा है, उसमें बंगाल के भी मुसलमानों के मुतल लिखा है। लेकिन पेश ये किया जाता है कि गोया सारा आलम इस्लाम उसको जिहाद कर रहा था और अंग्रेज़ ने मिर्जा साहब को खड़ा किया कि जिहाद को ख़त्म कर दें। हजूर जिहाद हो कहाँ रहा था बताइए आप, जमात अहमदिया के क़याम से पहले खलीफतुल मुस्लिमीन मक्के के मुफ्ती हिंदुस्तान के चोटी के उलमा सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि कायम शुदा अंग्रेज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद करना कुरान और हदीस के लिहाज से बगावत है और फसाद है। हजरत मसीह माऊद ने तो इतना किया है कि रसूलल्लाह ने फरमाया था कि वहाँ पर अल्फाज बुखारी के क्या हैं, यादा उल हरबा, कि मसीह माऊद लड़ाई को बंद कर देंगे, ये रसूलल्लाह का फरमान था जिसके मुताबिक हजूर ने फरमाया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन और मक्के के मुफ्ती
और हिंदुस्तान के तमाम उलमा के इस फतवे की तस्दीक करता हूँ बाद इतनी अथारी। इसमें आपने मौलाना भी हज़रत बाने सिलसिला का एक पुरदर्द इंतबाह भी हाँ था। ये आखिरी अल्फाज ये थे हजूर ने पुरशौकत जो बयान दिया ये माजरनामा इस पर ख़त्म होता है। बहुत ही दर्द भरा पैगाम है, इंसान आंसुओं से लबरेज हो जाता है। फरमाते हैं दुनिया मुझको नहीं पहचानती लेकिन वो मुझे जानता है जिसने मुझे भेजा है। ये हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं तोहफ़ा गोलविया सफ़ा 8 और 9 में। और ये हज़रत ख़लीफ़ा मसीह सालिस रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें आखिर में माज़रनामे के आखिर में ये पढ़ के सुनाया। ये 23 जुलाई का वाक़िया है। फरमाया नहायत रिक्कत भरे अंदाज में और आख यह है कि आंसुओं की जड़ी जड़ियाँ लग जाती हैं इनको पढ़ के इनका तसव्वुर करके। दुनिया मुझको नहीं पहचानती लेकिन वो मुझे जानता है जिसने मुझे भेजा है। ये उन लोगों की गलती है और सरासर बदकिस्मती है कि मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूँ जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। ऐ लोगों तुम यकीनन समझ लो कि मेरे साथ वो हाथ है जो आखिर वक्त तक मुझसे वफा करेगा। अगर तुम्हारे मर्द और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे जवान और तुम्हारे बूढ़े और तुम्हारे छोटे और तुम्हारे बड़े सब मिलकर मेरे हलाक करने के लिए दुआएं करें यहाँ तक कि सजदा करते करते नाक गल जाए और हाथ शल हो जाएं तब भी खुदा हरगिज़ तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा और नहीं रुकेगा जब तक वो अपने काम को पूरा ना करे। और अगर इंसानों में से एक भी मेरे साथ ना हो तो खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे और अगर तुम गवाही को छुपाओ तो करीब है कि पत्थर मेरे लिए गवाही दें। बस अपनी जानों पर जुल्म मत करो। काजबों के और मुंह होते हैं और सादिकों के और खुदा किसी अम्र को बगैर फैसले के नहीं छोड़ता। मैं उस ज़िंदगी पर लानत भेजता हूँ जो झूठ और इफ्तरा के साथ हो और नीज उस हालत पर भी कि मखलूक से डर कर खाले के अम्र से किनारा कश की जाए। वो खिदमत जो ऐन वक्त पर खुदा बंद कदीर ने मेरे सपोर्ट की है और इसी के लिए मुझे पैदा किया है हरगिज़ मुमकिन नहीं कि मैं उसमें सुस्ती करूँ। अगर कि आफ्ताब एक तरफ से और ज़मीन एक तरफ से बाहम मिलकर कुचलना चाहें इंसान क्या है मास कीगा। और बशर क्या है माज एक मुजगा बस क्यों कर मैं हय्यो कयूम के हुक्म को एक कीड़े या एक मुजगे के लिए टाल दूँ। जिस तरह खुदा ने पहले मामूरीन और मुकज़बीन में आखिर एक दिन फैसला कर दिया इसी तरह वो इस वक्त भी फैसला करेगा। जिस तरह खुदा ने पहले मामूरीन और मुकज़बीन में आखिर एक दिन फैसला कर दिया इसी तरह वो इस वक्त भी फैसला करेगा। खुदा फैसला करेगा। खुदा के मामूरीन के आने के लिए भी एक मौसम होते हैं और फिर जाने के लिए भी एक मौसम। बस यकीनन समझो कि मैं ना बे मौसम आया हूँ और ना बे मौसम जाऊँगा। खुदा से मत लड़ो ये तुम्हारा काम नहीं कि मुझे तबाह कर दो। तो वह गोल भी सवाल लो। फिर 40:5-7 में मसीह मौऊद ने जो तारीफ़ फरमाया वो हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस के ज़बान मुबारक से मुल्क के दानिशवरों ने सुना। फरमाया मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मैं नसीहतन लिल्ला मुखालिफ उलमा और उनके हम ख्याल लोगों को कहता हूँ कि गालियाँ देना और बदज़बानी करना तरीक़ इसराफ़त नहीं है। अगर आप लोगों के यही तीनत है तो खैर आपकी मर्ज़ी लेकिन अगर मुझे आप लोग काजिब समझते हैं तो आपको ये भी तो इख्तियार है कि मसाजिद में इकट्ठे होकर या अलग अलग मेरे पर बददुआएं करें और रो रो कर मेरा इस्तेसाल चाहें। फिर अगर मैं काजिब हूँ तो ज़रूर वो दुआएं कबूल हो जाएंगी और आप लोग हमेशा दुआएं करते भी हैं। मैं ज़िमनन रस करता हूँ मसीह मौऊद
कि शेर उस वक्त जहन में आ गया था, मैं अगर काजिब हूँ, मैं अगर काजिब हूँ कज़्ज़ाबों की देखूँगा सजा, पर अगर सादिक हूँ फिर क्या उज़्र है रोज़े शुमार। तो फरमाया अगर मैं काजिब हूँ काजिब हूँगा तो ज़रूर वो दुआएँ कबूल हो जाएंगी, और आप लोग हमेशा दुआएँ करते भी हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आप इस कदर दुआएं करें कि ज़ुबानों में ज़ख़म पड़ जाएं और इस कदर रो रो कर सजदों में गिरें कि नाक घिस जाएं और आंसुओं से आंखों के हल्के गल जाएं और पलकें झड़ जाएं और कसरत गिरिया उजारी से बिनाई काम हो जाए और आखिर दिमाग खाली होकर निर्गी पड़ने लगे या माली खौलिया हो जाए, तब भी वो दुआएँ सुनी नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं खुदा से आया हूं। कोई जमीन पर मर नहीं सकता जब तक आसमान पर ना मारा जाए। मेरी रूह में वही सच्चाई है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। मुझे खुदा से इब्राहिमी निस्बत है, कोई मेरे भेद को नहीं जानता मगर खुदा। मुखालिफ लोग अब सपने तई तबाह कर रहे हैं। मैं वो पौधा नहीं हूँ कि उनके हाथ से उखड़ सकूँ। ऐ खुदा तू इस उम्मत पर रहम कर। आमीन।